अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला काइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما बुलंदाबाद नाल पढ़िए सलातु सलामु अलैक या सैयदी या रसूल अल्लाह व अला आलिक व सहाबिक या सैयदी या हबीब अल्लाह सलातु सलामु अलैक या सैयदी या शफी अल मुज़निबीन وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا नबी अकरम शफी मौज़म ताजदार बतहा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बायस तख्लीक कायनात सदर बज़्म कायनात मस्दर कायनात जनाबी अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वबारक वसल्लम बाद अज़ीज़ुल क़द्र हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़श्ता जुमतुल मुबारक नूं आप अहबाब ने हज़रत इमाम आली मुकाम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु दी शहादत मुबारक दे सिलसिला दे अंदर गुफ्तगू समात फरमाई। अज असी वाक़े करबला दे बाद यानी इमाम आली मुकाम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु दी शहादत दे बाद जिहड़े वाक़यात गुजरे उन वाक़यात चों चंद वाक़यात उत्ते गुफ्तगु करांगे। इमाम अली मुकाम रदी अल्लाहु ताला अन्हु नू जालिम यजीदियां ने जदों करबला दे मैदान विच जुल्मन सजदे दी हालत विच शहीद कीता हजरत इमाम अली रजा रदी अल्लाहु ताला अन्हु तो किसी ने पूछा कि हजूर करबला दे मैदान विच आप दे दादा हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु नू कितने जख्म लगे, क्योंकि बाद रवायात दे अंदर लिखे कि 72 जख्म आए, बाज ने आख्या कि 82 जख्म, बाज ने आख्या 103 जख्म आए। हजरत इमाम अली रजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बेहतर है कि ना पूछ। उन्हें अर्ज की हजूर जो तुसी ना दसो तो कौन दसेगा। आपने फरमाया कि करबला च मेरे दादा हुसैन नो इतने जख्म आए सन कि जितने कुरान दे हरफ ने, और कुतुब दे अंदर लिखिया कि एक एक बाल दे नीचे कई कई जख्म और एक एक जख्म दे अंदर कई कई जख्म सन।
हजरत इमाम मूसा काजिम रदी अल्लाह ताला अन्हु तो पूछा गया कि हुजूर करबला दे मैदान अंदर इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घोड़े तो जमीन ते कितनी देर च तशरीफ ले आए? तो आपने फरमाती सा दकीका 9 मिनट लगे। अर्ज की हुजूर घोड़े तो जमीन ते डिगते 1 मिनट नहीं लगता, इमाम हुसैन नू 9 क्यों लगे? तो आपने फरमा के 9 मिनट तक मेरे दादा हुसैन ना घोड़े ते सन और ना जमीन ते सन, हजूर किथे सन? फरमाया 9 मिनट तक यजीदी मेरे दादा हुसैन नू अपने नेज़ियां दी नोकां ते चुक के फिरदे रहे सन। एक यजीदी दूसरे वाल सट दे तो दूसरा यजीदी तीसरे वाल सट दे, लूं लूं इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो दा जख्मी हो गया। गिरामी कदर हजरात, इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो दी शहादत तक एक करबला है और करबला दा दूसरा रुख उत्थों शुरू होंदे जदों हजरत इमाम अली मुकाम दी शहादत हो गई। इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु दी शहादत तक हुसैन हुसैन सन ते जैनब जैनब सी, मगर शहादत हुसैन दे बाद हजरत सैयदा जैनब मेरे इमाम दी बहन आप हुसैन बन गई। एक करबला ओ भी जड़ी हुसैन ने देखी, एक करबला ओ भी जड़ी हुसैन दी बहन जैनब ने देखी। अज असी उस करबला का जिक्र करांगे जिहड़ी सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा ने देखी। इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु दी ऐन शहादत का वक्त इधर करबला च मेरे इमाम दी शहादत हो रही है और आप नु ज़बह किया जा रहा, शिमर लईन सीने ते बैठ के आप नु ज़बह कर रहे। उधर मदीना तैयबा च उस वक्त हजरत अब्दुल्ला इबन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते ने कि मैं दोपहर वेले आराम कर रहा थे, मैं ख्वाब विच देखा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके आए मेरे ख्वाब दे अंदर और हुजूर बड़े परेशान ने। नबी करीम अलैहिस्सलाम दी दाढ़ी मुबारक ते हुजूर दियां जुल्फां विच गर्द ते गुबार धूड़। मेरे आका अलैहिस्सलाम दी बारगाह च हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह क्यों परेशान हो? फरमाया मैं करबला दे मैदान चो आ रहा, अज मेरा हुसैन जुल्म नाल शहीद कर दिता गया। उसे ही वक्त हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमा दिया मेरे ख्वाब च भी हुजूर आए और मैं देखिया कि नबी करीम की दाढ़ी और जुल्फा विच गर्दो गबारे, इंज महसूस हो रहा है जिवें नबी करीम किसी लंबे सफर तो वापस आए ने। अर्ज कर दिया या रसूल अल्लाह तुसी इतने गमगीन ते दुखी क्यों, ये हालत क्यों बनाई? सरवर कायनात ने रोके फरमा उम्मे सलमा मैं करबला चो आ रहा, मेरा हुसैन शहीद कर दिता गया है। उम्मे सलमा फरमा दिया ने कि मेरी अख खुली, मैं दौड़ के उस शीशी वल वेख्या जड़ी शीशी दे विच मैं मट्टी रखी सी करबला दी, जड़ी कमली वाले ने मैनू हुसैन दे बचपन च अता फरमाई सी। फरमाया सी उम्मे सलमा ये मट्टी नू संभाल के रखी, जिस दिन मट्टी खून बन जाए सुरख हो जाए समझी मेरा हुसैन शहीद हो गया। उम्मुल मोमिनीन फरमा दिया मैं वेख्या कि मट्टी सुरख रंग दी हो गई, खून बन गया। पता चले आ के करबला दे मैदान च नबी पाक भी मौजूद सन और एदे ते दीगर रवायात भी मिलती। नौजवानों जदों इमाम अली मुकाम नू शहीद कर दिता गया उस वक्त सूरज नू ग्रहण लग गया, सारी कायनात दे अंदर अंधेरा छा गया, आसमान तो खून की बारिश शुरू हो गई, आसमान भी रो रहे। मदीना तो गबा दियां गलियां च जिन्नात दे रोन दियां आवाज आईयां, जिन रो रहे चीखा मार मार के रो रहे। उम्मे सलमा फरमा दियां कि 50 साल मैं जिन्नात की आवाज नहीं सुनी, नबी पाक दे विसाल वेले सुनी या हुसैन की शहादत वेले सुनी। इमामी अली मुकाम की शहादत के फौरन बाद बैतुल मकदस के अंदर जेड़ा भी पत्थर उठाया जाता है नीचे तो खून उबलता है।
مفسرین سیرت نگار اور تاریخ نگار لکھ دین کہ یہ جڑی شام دے ویلے مغرب دی طرف آسمان تے سرخی ہوندی ہے نا, امام ابن سیرین نے ارشاد فرمایا کہ امام حسین دی شہادت تو پہلے اے آسمان چ سرخی نہیں سی, یہ جڑی شفق دی سرخی ہے اے امام حسین دی شہادت دے بعد آئی کہ روزانہ شام نو سورج ڈوبدا بھی حسین دی یاد چ روندا ہے. گرامی قدر حضرات, امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے فوراً بعد انہ یزیدیاں ظالمان نے امام علی مقام دے جسد اقدس اسے جسم پاک دے اتے گھوڑے دوڑا دیتے. عربیاں دا قانون سی کہ جدو کسے نو اپنے دشمن نو او دے مرن تو بعد انو توہین کرنا چاہندے سن تے او دی لاش تے گھوڑے دوڑا دے سن تاکہ او دی مزید توہین کیتی جائے. انہ ظالمان نے اعلان کیتا کہ جدی جدی لاش ہے اٹھا کے لے جاوے کیونکہ اسی گھوڑے دوڑان لگے ہاں. لوگ اپنی اپنی لاشاں دے وارث بن کے آئے. حضرت حر دا قبیلہ آیا تے حضرت حر دی لاش مبارک نو اٹھا کے لے گیا. سارے اپنے اپنی لاشاں لے کے ٹر گئے وارث, پر حسین علی مقام تے آپ دے پتراں تے بھانجیاں تے بھتیجیاں دی لاشاں بکھریاں پئیاں نے کیونکہ انہیں دی وارث تے یا سکینہ سی تے یا زینب تے یا زین العابدین سی. گرامی قدر حضرات, ظالمہ نے پھر گھوڑے دوڑائے, اپنے گھوڑا دیا ٹاپا دے نال امام علی مقام دیا ہڈیاں مبارک توڑ دیتیاں, جس میں اقدس نے جتنے ٹکڑے کر سکے انہیں ظالمہ نے کیتے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے تے آپ دے رفقا دے سر اقدس اونا دے تن تو جدا کر دیتے گئے. امام حسین دے سر اقدس دی توہین اس طرح کر رہے کہ آپ دے سر اقدس نو انہ نیزیاں دیا نوکا تے لٹکا لیا. گرامی قدر حضرات, پر دوسرا رخ کیے ادھر میرے امام علی مقام دی لاش دے گھوڑے پہ دوڑان دینے تے ادھر خیمے چے میرے امام دی بہن زینب اثر دی نماز بھی پڑھ دی. کربلا والے اندر نال نال اصول ضابطہ قانون انہ دی محبت دین بھی نال لے جو. امام زین العابدین فرما دینے کہ ساڑا قافلہ مدینے تو ٹریا اسی مکے آئے, مکے تو ٹریے تے اسی کربلا آئے, شہادتہ دے کے قیدی بن کے کوفہ تے دمشق گئے تے اتھو واپس مدینے آئے. آ فرما دینے نہ چھ مہینے دے اندر انیاں مصیبتہ دے باوجود میں اپنی پھپھو زینب دی ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھٹدا نہیں ویکھیا. میرے امام دی بہن زینب اثر دی نماز دے سجدے پہ کر دیے. جنہ موقع تے عورتاں وین کر دیئے نا انہ موقع تے حسین دی بہن زینب سجدے پہ کر دیئے. جے امام حسین دے آخری سجدے نو لکھاں سلام نے نا تے لکھاں سلام نے پھر زینب دے سجدے آنو بھی عورت ہمت صبر کٹھا نہیں ہوتا. پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا انیاں شہادتاں کروا کے بھی اثر دی نماز پیاں پڑھ دیاں. ان ظالم یزیدیاں نے میرے امام دے علی مقام دے خیمے نو اگاں لا دیتیاں. امام حسین دے ہاتھ مبارک چ جڑی انگوٹھی سی نا, ایک یزیدی ظالم انگوٹھی اتار دا, انگوٹھی نہ اتری تے انگلی اتار کے لے گیا. امام علی مقام دی بیٹی سیدہ زینب خیمے دی اوٹ چ رو رہی اپنے بابا نو یاد کر کے. دو ہی گٹھڑیاں سن میرے امام دے خیمے چ, گٹھڑیاں بھی لٹ کے لے گئے. سیدہ سکینہ رو رہی اپنے بابا ول ویکھ کے. ایک ظالم یزیدی کول تو گزریا تے سیدہ زینب دے کناں دیاں والیاں کھچ کے لے گیا تے سکینہ دے کناں چ خون دا فوارہ نکلیا. جدو سیدہ سکینہ دے کناں دیاں والیاں کھو کے لے گیا, سکینہ دوڑ کے اپنی پھپھو ول گئی. سیدہ زینب نے جدو اثر دی نماز دا ادھر سلام پھیریا تے سکینہ رو رہی تے رو کے کہن لگی, پھپھو امی ایک ظالم میرے کناں دیاں والیاں اتار کے لے گئے, اب ویکھو میرے کناں چ خون پیا نکلدا ہے. سیدہ زینب نے ادھر سلام پھیریا تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی ہے. عرض کر دیئے سیدہ پانی پی لے.
पानी वल वेख्या ते वीर दी प्यास याद आई, प्याला हटा के फरमान लगी हां बीबी जिदा एडा सोहना वीर दुनिया तो प्यासा ही टुर जावे उस बहन को पानी तो नहीं ना पीता जांदा। उस औरत ने अर्ज की थी मैं कोई बेगानी तो नहीं, मैं करबला दे पहले शहीद हजरत हुर दी बीवी हां, खून दे के करबला च हिस्सा पा गए, मेरा पानी कबूल करो सैयदो मेरा भी करबला च हिस्सा पै जाए। सैयद ज़ैनब ने पानी का प्याला पकड़िया, ख्याल आया कि ओ 13 साल का मेरे वीर का ज़ैनुल आबिदीन बेहोश है बुखार दे नाल, ते होवे ना ते अपने वीर दे पुत्र ज़ैनुल आबिदीन नूं पानी पी लवां। नौजवान सैयद ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला ना पानी का प्याला लेके खैमे दे अंदर आईयां, ज़ैनुल आबिदीन बुखार नाल बेहोश ने, सैयद ज़ैनब ने सिर चुके अपनी गोदी दे अंदर रखे आओ, फरमा दिया उठ वे पुत्रा तू यतीम हो गया है। ज़ैनुल आबिदीन दे लब हिले फरमान लगे कौन है जेड़ा परदेसियां नाल प्यार प्या करना है, फरमा दिया वे पुत्रा उठ तेरी फुफो ज़ैनब आई आओ, उठ वे पुत्रा यतीम हो गया पानी पी लै। ज़ैनुल आबिदीन ने अपने लबां दे नाल प्याला हटाया, वाह सबर वाले कह लगे फुफो अम्मी तुसा पानी पीता या नहीं पीता, फरमा दिया मैं पुत्रा तू छोटा पहले तू पी लाई। ज़ैनुल आबिदीन ने अर्ज की थी फुफी अम्मा जे पहले छोटे ही पीना है फिर मेरी बहन सकीना नु पिला दियो, वो मेरे नाल भी छोटी आई, फरमा दिया मैं पानी लेके सकीना दे कोल आई, सकीना दे लबा दे नाल पानी दा प्याला लगाया, सकीना हटा के कह लगी फुफी अम्मा पहले मेरे वीर ज़ैनुल आबिदीन पिलाया जाए, फरमा दिया नहीं बेटी मैं पानी लेके गई साई, वो कहता पहले छोटे पीन गए फिर वड्डे पीन गए। सकीना ने फुफो को प्याला पकड़िया, करबला बल दौड़ पई, सैयदा ज़ैनब फरमा दिया नहीं सकीना नी बेटी कितने चली है, सकीना मुड़ के कह लगी फुफी अम्मा जे पहले छोटिया ही पानी पीना है मैं असगर नू पिलाउन चली हाँ, ओ मेरा वीर मेरे नालों भी छोटा है मैं अपने वीर नू कबर च पानी पिलाउन चली हाँ। खैमिया वालिया दियां चीखा निकल गई, सकीना नू ठोकर लगी, पानी दा प्याला करबला दी रेत डुल गया, करबला दी तपदी रेत ने पानी पी लिया, हुसैन दी सकीना फिर प्यासी रह गई। निया सा फरमांदे ने ए ताकत हुंदिया ओना जोर नहीं लाया, ओ बैठे मन रजाई दुनिया तो प्यासे तुर गए, ए दीन दुनी दे साई। सैयदा ज़ैनब सैयदा ज़ैनब जाके ना सकीना ने चुके गोदे च लिया के ना ते अपने खेमे च बैठी थपकी दे रही, इधर मगरिब की नमाज का वेला होया ना, सैयदा ज़ैनब फरमा दी मैं मगरिब की नमाज की नीयत की थी, नमाज तो जदों वज़ाइफ तो फारिग हुई तो फरमा दी मैं वेख्या ते खैमे विच किधरे सकीना नजरी ना जावे, फरमा दी मेरा दिल ढोलदा है हुसैन दी बेटी मेरे वीर दी बेटी मेरी जान सकीना किथे गई, आ फरमा दी मैं एक खैमे दूसरे च तीसरे च ढूंढ रही हूँ सकीना नजरी नहीं आ रही। कन्ना विच हुसैन दी आखिरी गल पे गूंजदी है मेरी सकीना का ख्याल रखिया जाए। ज़ैनब फरमा दी इधर इशा की नमाज का वेला हो गया, आ फरमा दी मैं इशा की नमाज पढ़ी ना, उधर यजीदी जाले अपनी झूठी फतह का जश्न मना रहे, इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ते नबी दे पुत्रां दियां लाशां आओ ओ करबला दे मैदान च बिखरियां पईयां ने। नौजवान सैयद ज़ैनब फरमा दी इशा की नमाज पढ़ के मैं फिर सकीना नूं ढूंढ रही, सकीना नजरी ना जावे।
सैयदा ज़ैनब फरमा दिया मैं ढूंढ दिया करबला वाले टुरी जाओ रे आ फरमा दिया आने अंधेरा भी गहराया हो गया सकीना भी किधरे नहीं पे मिलती फरमा दिया मैं टुरी टुरी करबला दे मैदान च आई मैं वेखया मेरे हुसैन दी सकीना अपने बाबा दी लाश दे कदमा नाल लिपट के लेटी है रो के फरमा दिया नी सकीना नी बेटी इत्थे की पई करनी है सकीना अपनी फुफ्फो नूं जफा मारे आओ कहन लगी फुफी अम्मा तुहानू पता मैं बाबा दे सीने ते सोनी हां मैं अपने बाबा दे सीने ते सोनी हां फरमाया नी सीने ते सोन वाली है अज कदमा च क्यों लेटी है अर्ज की दी फुफ्फो जान सीना सारा तीरा नाल छलनी हो गया सीने ते जगह नहीं मिली मैं अपने बाबा दे कदमा च सौ गई हां सैयदा ज़ैनब फरमा दिया मैं खेमे वल लेके टुरी सकीना मुड़ के कहन लगी बाबा खेमे च फेर जावांगी जे वादा करो रोज सीने ते सुला नया करोंगे नौजवान सारे चीखा मार के रो रहे सकीना बाबा बाबा कर दी है अज पहली रात है जड़ी ज़ैनब ने अपने वीर दे बगैर गुजार नहीं आई जड़ी सकीना ने बाबा बगैर गुजार नहीं आई मियां साहब फरमा दे ने ओ घड़ी रल बैठन वाली जद याद बंदे नो आवे कसम खुदा दी ओ चीर कले जा जावे ए आर पे खड़ी परमा देने लंबी रात दी छोड़े वाली ते गुजरी से परियां दी खबर ले आवे कौन मोहम्मद ए सजना दूर गया दी सकीना नु लेके खेमे दे अंदर आईयां आ फरमा दिया मैं गोदे चला के ना ते थपकियां दे के सुलाया औलादा वाले सत साल दी बची होवे जिन्हें कदे सफर कीता ही ना होवे ओ कित्थों मक्के मदीने तो टुरी ते मक्के आई ओ तो सत साल दी लाडली जी बची जिहड़ी मक्के तो टुरी ते करबला तक आई उन्हें चाचे दे बाजू कटदे वेखे उन्हें वीरां दियां बोटियां होंदियां वेखियां उन्हें अपने बाबा दी लाश ते घोड़े भी दौड़दे वेखे तनी सैयदा सकीना नो अल्लाह ने किवें दा हौसला दिता होवेगा अद्धी रातो रात ढली ते सैयदा ज़ैनब फरमादियां मैनूं ख्याल आया ये जंगल बियाबान है ते इत्थे कोई जानवर को दरिंदा आके साड़ियां लाशां नूं नुकसान ते तोहीन ना करे ते मैं पैरा ना देवां नौजवानों दस मुहर्रम उल हराम गुजरिया ते जिहड़ी ग्यारहवीं मुहर्रम की रात आई ना पहली रात सैयदा ज़ैनब फरमा दिया कि मैं एक तलवार पकड़ी ओ इमाम हुसैन वाली तलवार ओ जड़ी बाबा मौला अली वाली तलवार सी तलवार पकड़ के ना तो सैयदा ज़ैनब पहरा पईयां दे दियां लाशां कट्ठियां कर रही हैं एक लाश औथ चुके लिया दियां ते लिया के कट्ठी कर दियां कदे औन दी लाश उठा के लिया दियां कदे मुहम्मद दी कदे अब्बास ते कदे कासिम ते कदे अकबर दी सारिया लाशां 71 लाशां दा ढेर 72 लाशां दा ढेर लगाया सैयदा ज़ैनब ने उस औरत ते उस बीबी दा हौसला वेख 72 लाशां दा ढेर लगा के ना ते सैयदा ज़ैनब पहरा पईया दे दिया अचानक आप नूं ना अद्धी रातों रात ढली ते इक साया नजरी आया ज़ैनब ज़ैनब जे फारसी विच ज़ैनब पढ़िए ते दा मतलब बनदा बाप वर्गी बेटी अली दी ते बाप वर्गी सैयदा ज़ैनब हौसलिया दा पहाड़ हौसलिया दा ते सबर दा कोहे हमालिया आप साहिबल वेख्या ते पुकार के फरमान लगियां वे आउन वालिया वे जरा ध्यान लावी अगे मुहम्मद शेर सुते होए नहीं
वेखी किधरे तेरी सवारी दे टापा दे नाल इन्हां दी लाशां दी तोहीन होवे। आपने वेख्या कि सवार तुरे आ रहे, जदों करीब आया तो आपने वेख्या उहदे चेहरे ते नकाब है। उन्हें आके ना दो निकिया निकिया लाशां वाल इशारा किया, पुछदा ए लाशां किहदियां ने। मां सी ना तड़प के फरमान लगी, मैं परदेसां दे पुत्रां दियां लाशां ने। उन्हें पुछया आ दो लाशां किहदियां ने। फरमान लगी, मेरे वीर हुसैन दे पुत्रां दियां लाशां ने। पुछया ओ लाश किहदी है? आख्या मेरे वीर हसन दे पुत्र दी लाश है, ओ अब्बास दी लाश है, ओ कासिम दी लाश है, ओ अकबर दी, ओ आउन ते मुहम्मद लेटे ने, आउन वाला टुरिया जा रहा। सैयद ज़ैनब बाबा देख के फरमाउन लगी, अबे आउन वाले आजा दी वारी, दस जा तू कौन है? उन्हें अपने चेहरे तो नकाब हटाया ते नाले आवाज दे के आखे, मारे आवाज नबी ने अगो ये फरमान सुनाया, तुझ गरीब दा नाना बचेड़ी तेरा पैरा वेखन आया। सैयदा वेख के फरमान लगी, नाना आए ने, अर्ज कर दिया नाना जी आ मेरा पुत्र अकबर जाए, ओ मेरा पुत्र ओंटे मोहम्मद जाए, ओ मेरा लाल कासिम जाए। नाना जी जेड़ा हुसैन दा मुंह चुमदे रहे हो, ओ वेखो अज उस चेहरे दे उते इन्हां ज़ालिमां ने करबला दी रूह धूड़ जमाई जाए। अर्ज कर दिया नाना जेड़े हुसैन मोड़ियां ते चुके फिरदे रहे हो, इन्हां ज़ालिमां ने हुसैन दियां हड्डियां तोड़ दित्तियां जे, मेरे वीर हुसैन दे टुकड़े कर दिते ने। रो के कह लगियां नाना अज आए हो उस बदला लै के जाया जे। प्यार करके फरमाया, नी धीए रोना मैं हुन नहीं आया, मैं सवेर दा करबला दे अंदर सां, अज मैं वेखना चाहुंदा सां इम्तिहान लैण वाला किवें लैंदे, देण वाले किवें देंदे। ग्यारह मुहर्रम दी सवेर तुलू हुई ना, इन्हां यजीदियां जालिमा ने अपनियां लाशां ते दफन कर लिया, पर रसूलुल्लाह दे पुत्रां दियां ते उन्हां दे हवारियां दियां लाशां उंजी करबला दे मैदान च दिखरियां। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दे काफिले दा ऊंट ज़बह कीता, दोपहर दा खाना खावण लगे यजीदी। इमाम हुसैन दे काफिले दा ऊंट ज़बह करके ना जदों सालन बना के ते ऐन वक्त ते खाना खान बैठे, सारा सालन खून बन गया, उदे चो इतनी बदबू आई कि कोई खान दे काबिल ही नहीं। एक यजीदी जालिम ने आके ना ते हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नु कोड़ा मारिया, ते कोड़ा मार के कहन लगा, तू दस्या क्यों नहीं कि तेरा ऊंट बीमार है? आपने फरमा क्यों? कहन लगा सा तेरा ऊंट ज़बह करके ते सालन बनाया, इतनी मेहनत की ते सारा सालन खून बन गया। आपने फरमाया, मेरे काफिले दा ते कोई ऊंट बीमार नहीं। फरमाया, जालमो मेरा केड़ा ऊंट ज़बह किया जे? एक यजीदी जालिम बोल के कह लगा, वो जड़ा कितार दे अंदर पंजवें नंबर ते ऊंट सी असा वह ज़बह किया। ज़ैनुल आबिदीन की चीख निकल गई, रोके फरमान लगे, जालमा उन्होंने क्यों ज़बह किया? उस ऊंट ते बह के मेरा वीर अकबर मदीने आया से। सैयद ज़ैन फरमान लगियां, ज़ैनुल आबिदीन पुत्रा इन जालिमा कह दे कि कानून बदल गए जे, असा जितना ज़बह होना सी तुसा सानू कर लिया, हुण ज़बह होण दीआं वारियां तुहाड़ियां आ गईआं जे। अल्लाह दी कुदरत दा कानून बदल गया, हुण रब ने हुसैन दे काफिले दा कोई जानवर भी ज़बह नहीं जे होण देना, हुण वारियां तुहाड़ियां साडे इम्तिहान मुक गए, तुहाडे शुरू हो गए जे। नौजवानों, मैं इख्तिसार नाल अर्ज़ करां, जदों तीन दिन करबला दे मैदान च रह के इन्हां ज़ालिमां ने अपनियां लाशां दफन कीतियां, इमाम हुसैन ते आप दे रूफा कादियां लाशां उवें बिखरियां, सर उतार ले
नेज़ियां दी नोका ते लटका के जदों काफिला करबला तो टुरन लगा ना ते रसूलुल्लाह दीयां बेटियां नूं कैदी बनाया गया। सैयदा ज़ैनब वर्गियां शहजादियां नूं जदों कैदी बनाया गया रसूलुल्लाह दे घर विच पलन वालियां ओ जिन्हां दे सिर दा वाल कदे आसमान दे चन्न ते सूरज भी नहीं वेख्या उन्हां नूं जदों कैदी बनाया गया। इमामे ज़ैनुल आबिदीन 13 साल दे इमामे हुसैन दे पुत्र दे पैरां विच बेड़ियां पा के हत्था च हत्थ कड़ियां पा के बाप दे सिर वाला नेज़ा ज़ैनुल आबिदीन नूं पकड़ा दिता। बाप दे सिर विचों खून दे कतरे पुत्र दे चेहरे ते डिगदे ने। लियाओ तारीख च कोई एवें दा मंज़र कि बाप दे सिर च खून निकलदा होवे ते पुत्र दे चेहरे ते डिगदा होवे। वाह ज़ैनुल आबिदीन तेरे हौसलियां तों भी कुरबान जावां। 40 ऊंटां दी कतार, ऊंटां ते पलान भी नहीं रखे, कदियां भी नहीं रखियां, नंगियां ऊंटां दियां पुश्तां ते मुहम्मद दियां बेटियां नूं बिठाया कि इन्हां नूं हड्डियां चुभन ऊंटां दियां, इन्हां नूं तकलीफ होवे। रसूलुल्लाह दियां बेटियां नूं, बहुआं नूं, इतरत रसूल नूं इन्हां ज़ालिमां नूं ऊंटां दियां नंगियां पुश्तां ते बिठाया। काफिला टुरन लगा ना, जदों करबला दे मैदान च टुरन लगा, 40 ऊंटां दी कतारे, ते जदों सैयदा सकीना दे बैठन दी वारी आई, ओ 40वें ऊंट ते वारी सकीना दी आई। सब तो पहले ऊंट दे अगे अगे इमामे ज़ैनुल आबिदीन नूं पैदल टोरिया, बेड़ियां पा के टोरिया, बाप दे सिर वाला निज़ा हाथ च पकड़ा के टोरिया। सैयदा ज़ैनब फरमान लगियां, पुत्रा इन्हां ज़ालिमां नूं कह दे तुसां साडी कोई नहीं मन्नी, एक मन लो, जदों करबला च टुरन लगे तो मेरी वीर दी लाश दे कोलों गुजरिया जे, मैं जांदी वारी अपने वीर हुसैन नूं मिल जावां। नौजवानों मैं केड़ा रंग पेश करा, ए बीबी ज़ैनब कैदन बन के ओए शाम वले जदों चली कब गया सी अर्श खुदा दा नल कबर रसूल दी हली। जेड़े वेले यजीदी इमामे हुसैन दी लाश दे करीब तू काफिला लैके गुजरे, सैयद ना इमामे ज़ैनुल आबिदीन अपने बाप दी लाश ते लेट गए। सैयद ज़ैनबी ऊंट तो नीचे आ गई, आके अपने वीर नूं जफा मारिया, फरमा दिया वे वीरा तुर चलिया, वे वीरा उठे अपनी भैन नूं जांदी वरी सीने ला लै, ते वीरा असीं तुर चले आं, अज मेरे कोल तौफीक हुंदी मैं तेरी खबर बना के जांदी, पर वीरा मैं की करा, उंज मैं जदों मदीने जावांगी जाके मैं नाने नूं सारे हाल सुना के आवांगी। अर्द कर दिया ने वे वीरा, अज कदे मैनू रब तौफीक देंदा, मैं एवें दी बदुआ करदी सारे यजीदी करबला च मर जांदे, पर असी अज उवें राजी आ जिवें खुदा राजी आई, अज असां सबर करन आए, ये अपना जुलम करी जान असी अपने सबर करके वखावांगे। नौजवानों मैं केड़ा रंग देवां, सैयद ज़ैनब कैदी बन के नौजवानों जड़ वेले करबला च टुरियां, आशिक दी रूह तड़प गई, ते आशिक बोल के कहंदा सानू पता की वीर दी लाश जिस दम ए छड़ के टुर दी है भैन ते की होंदा, पूछो ज़हरा तू पुत्र दी लाश उत्ते आए, जदू तड़फे हुसैन पे की होंदा, पूछो ज़हरा तूने दे तीनों के उत्ते जदू तड़फे हुसैन पे की होंदा। सैयद ज़ैनब दा काफिला करबला च जा रहा,
नौजवानों मेरे नबी दे पुत्रां दियां लाशायों में करबला च बिखरिया ने। काफिला जड़ वेले टुरदा टुरदा करबला च निकलिया। नौजवान राज इक बाजार आया, इक कसाई बकरी पिया ज़बा करदा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बकरी ज़बायों दी वेखी, तड़प के फरमान लगे ओ कसाईया ठहर जाओ, इनो पानी पिलाया है कि नहीं। कसाई कहन लगा, जी मैनू पता है, मैनू मसला याद है कि जानवर ज़बा करिए उनो पानी पिला के करी दे। फरमान देने ओ ज़ालिमो, ओ जानवरां नू पानी पिला के ज़बा कर दे, सानू पिया सही ज़बा कर दिता जे। नौजवानों काफिला टुरदा लगा जा रहा, बाजारां च गुजरदे जा रहे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ज़ा पकड़ के अगे अगे जा रहे। मेरे इमाम दी बेटी सकीना 40वें ऊंट ते बैठी है, ओ बेटी जड़ी हर वेले पापा दी गोद च खेडन वाली। नौजवानों जदों शाम दा अंधेरा होया, सकीना दूर अपने बाबा दा चेहरा वेखदी है। कदे नेज़े दी नोक ते हुसैन दा सिर नीवा हो जांदा है, ते सकीना ऊंट ते उठ के खड़ी हो जांदी है। किधरे बाबा नजरी ही आ जान, सकीना बाबा बाबा करके रोंदी है। जदों अंधेरा हो गया, सकीना नूं बाबा नजरी ना ही आ रही। सकीना ऊंट दी पुश्त ते उठ के खड़ी हो गई। उन्हें जड़े वेले वेख्या बाबा नजरी नहीं आ रही। सकीना रो के कहन लगी, बाबा मैनू चेहरा नजरी नहीं आ रहा। एक यजीदी ने सकीना दे चेहरे ते थप्पड़ मारिया। हुसैन दी बेटी सकीना ऊंट तू जमीन ते डिग पई। औलादा वालिओ, काफिला टुरदा जा रहा, सकीना बाबा बाबा करदी रोंदी जा रही। मेरे इमाम दा काफिला टुरदा जा रहा, अचानक हुसैन दे सिर वाला नेज़ा जमीन च खुब गया। यजीदी जोर लगांदे ने, नेज़ा उखड़दा कोई नहीं। एक यजीदी ने आके ज़ैनुल आबिदीन नूं कोड़ा मारिया। कहन लगा, पुछ अपने बाबे कोलों टुरदा क्यों नहीं। ज़ैनुल आबिदीन ने हथ जोड़े, अर्ज कीती, बाबा हुण कोड़े नहीं खाधे जांदे। बाबा दसो टुरदे क्यों नहीं। हुसैन दे लबां च आवाज़ आई, पुत्तरा किवें टुरा, मेरी सकीना ही ऊंट तू डिग पई। इमामे ज़ैनुल आबिदीन कहन लगे, तुफी अम्मा मेरे पैरों विच बेड़ियां ने, जरा दौड़े आ जाए, वेखिया जे सकीना कित्थे रह गई है। नौजवान रात दा अंधेरा, सैयद ज़ैनब जड़े वेले काफिले दे पिछे आईया, वेखिया निकी जी सकीना रेत ते लेटी है, ते रेख कह रही है, अकबर वीरा मैनू लै जाओ, कासिम वीरा मैनू नाल लै जाओ। जदों कुछ दी आवाज न आई, ते रो के कहन लगी, बाबा तुसी ठहर जाओ, सकीना डिग पई जाए। बाबा अपनी सकीना नूं नाल लै जाओ। सैयदा ज़ैनब ने सकीना नूं चुके सीने नाल लाया, अपने ऊंट ते ले आके गोदी च बैठा के थपकियां दे रही। सकीना ने निके निके सवाल कर दिए, कहती है, फुफी अम्मा बाबा ने कदों आना है, असां मदीने कदों जाना है, मैं अपनी बहन सूरत जाना है। सैयदा ज़ैनब सीने लगा के रोई जा रही। तेरे बहु दे कलम दी नोक दे अर्ज करा, आप परमा देने चढ़ वे चन्ना वे कर रिश्ना आई, तारे जिक्र करें दे तेरा हो, तेरा जिक्र करें दे तारे हो, कलियां दे बिच फिरन निमाने, ए लाला दे पंजारे हो, शाला मुसाफिर कोई ना थी वे, कख की ना थी भारे हो, ताड़ी मार उड़ाना पाहो,
असी आपे उड़न आ रे काफिला टुरिया जा रहा। एक बाजार च गुजरे ते लोग कोठे ते चढ़ के तमाशा देख रहे, किसी ने खजूरां ते छुहारे सटे। एक खजूर आके ना ते सैयद सकीना दी गोद च डिगी। लोको कई दिन दी हुसैन दी भुखी बेटी, खजूर जद गोद च डिगी ना, वो निकी जी बच्ची ने खजूर उठा के मुंह च डाली। सैयदा ज़ैनब ने मुँह च उंगली डाल के ना ते खजूर निकाल ले। फरमा दिया ना नहीं सकीना किधरे सदका ही ना हो। असी सैयदादियां साढ़े ते सदका हराम है, क्योंकि सारा जग ते साढ़े सदके ते पल दे। फरमाया नी तीए जिथे इन्ने दिन सबर कर ली, दो घड़ियां होर सबर कर जा, कयामत तक मेरे नाने की उम्मत तेरे ना दे लंगर पका के वंडदी रहेगी। मुसलमानों में केड़ा रंग देवा। इमामे ज़ैनुल आबिदीन रोंदे कदे बाप दे चेहरे वाले वेख दे, कदे पिछे वेख दे। एक बीबी आके ना तो सैयदा ज़ैनब ने फरमा दिया, ज़ैनब रो ना, तू भी ज़ैनब, तेरा वीर भी शहीद होया ना, तेरा वीर भी विछड़िया, ते एक यूसुफ अलैहि सलाम की बहन भी, ओदा नाम भी ज़ैनब सी, ओदा भी वीर विछड़िया सी, तेरा भी वीर विछड़िया, ना रो। फरमादिया तेनों ये नहीं पता 40 साल बाद उस ज़ैनब दा वीर ते फिर मिल पिया सी। आ फरमान लगियां नी बीबी मैनूं तसल्लियां देण वाली है। फरमादिया ने 40 साल पिछे मिल पिया बाप दे भाइया, पर रोज कयामत की कर दे गया, ए मेरा वीर जुदाया। एक बाबा या के ज़ैनुल आबिदीन कह लगा, पुत्रा रो ना, तू कल्ला क्या दीनी बनया, रब दा नबी यूसुफ भी क्या दी बनया, पुत्रा ओदे बल वेख चुप कर जाओ। ज़ैनुल आबिदीन फरमाउन लगे, बाबा इनू की पता है वे मैं क्यों पिया रोना। अल्लाह दे कुरान ने फरमाया कि यकूब दा एक यूसुफ विछड़िया, यकूब ना रोए, यकूब दी अखा दी बेनाई चली गई। अल्लाह ने फरमाया दे नबी दियां रो रो के अखियां चलिया गईया। फरमाया ओदा एक यूसुफ गया सी, मेरे सारे यूसुफ टुर गए ने। फरमाया दस बाबा रोवा मैं क्यों ना। आ फरमान लगे, बाबा एक कैद यूसुफ दी कैद आबिदीन दी, इस विच फर्क हजारा। यूसुफ कैद इकला होया, मेरे नाल ने परदे दारा। तो जालिम पहले रसूलुल्लाह दी बेटियां नू कैदी बना के ते कूफे वल लेके गए कि पहले इब्ने ज़ियाद दे दरबार च पेश कीता जाए। जदों आया ना कूफे दा बाजार ते सैयदा ज़ैनब रुक गई, टुरदियां ने। यजीदी जालिम फौजी 750 फौजी इन जालिमां ने रसूलुल्लाह दी बेटियां ते पहरेदार नाल टोरे। नौजवानों 350 एक तरफ, 350 या 400 एक तरफ, उन चंद अफराद के वास्ते इन्होंने जालिमा ने इतने फौजी खड़े किए।
इबने ज़ियाद ने जालिम ने ऐलान कर दिता कि बागी आ रहे ने माज़ल्लाह हुकूमत दे बागी। उन्हें नहीं लोगों ने दसिया कि ये तो हसन हुसैन आ रहे ने, उन्हां दियां बेटियां ने जिन्हां दे घर कुरान नाज़िल होंदा रहे। उन्हें आख्या कोठियां ते चढ़ो तमाशा वेखो, मैं लोगों ने दसा कि जेडे यजीद की हुकूमत ना बगावत करेंगे उन्हां दे नाल असीं किहड़ा सलूक करांगे। लोग कूफे दे कोठियां ते चढ़ गए, उन्होंने तो पता ही नहीं कि इमामे हुसैन ते आप दे रूफा कहाँ आ रहे हैं। इन ज़ालिमां ने कूफे दी गलियां च ऐलान किया कि हुकूमत दे बागी आ रहे हैं, कैदी बना के लिया जा रहे। जेडे वेले कूफे दे बाजार च गुजरन लगे सैयदा ज़ैनब रुक गई, इमामे ज़ैनुल आबिदीन करीब आए ते अगे फुफू चलती क्यों नहीं। फरमा पुत्रा इको वेला सी जदों मेरे बाबा अली खलीफा बने, आपने खिलाफत के दौरे च मदीना छड़ के कूफे नू दारुल खिलाफा बनाया, तो इन्होंने गलिया च मैं अपने अबू अली दे नाल शहजादी बन के गुजरी सा। अज उ गलिया ने उही लोग ने तो ज़ैनब, इन गलिया च मैं कदे शहजादी बन के गुजरी सा, अज कैदी बन के किवें गुजरा। ज़ैनुल आबिदीन ने अर्ज की, फुफू अम्मा उदो भी असी साबिर सा ते अज भी असी साबिर ही हाँ। सैयदा ज़ैनब जो वे कूफे दियां गलियां चों गेट ते बाजारां चों गुजरिया ना, जदों कदे शहजादी बन के गुजरिया सन ते कूफे दियां औरतां ने फुल्लां दियां पत्तियां नाल शहजादी दा इस्तकबाल किया। अज ज़ालिम उसे ज़ैनब नूं उन्हां गलियां विचों कैदी बना के गुजारे। सैयदा ज़ैनब दा काफिला जदों गुजरिया ते कमाई वडेरी सुक्की रोटी दे दो टुकर लैके आई, सीने ते हथ रख के सुनिया जे माई ना सैयदा ज़ैनब ने जो रोटी दे टुकर दे के पेश किए ते कहन लगी, बेटी तू कैदन भी लगनी है ते परदेसन भी लगनी है ते भुखी भी लगनी है, रोटी खा ले। सैयदा ज़ैनब ने जब रोटी वाल वेख्या ते मोटे मोटे अथरू अखां च आए। ये ओ ज़ैनब है जिहड़ी मदीने की सब तो अमीर औरत सी, जिहदा शौहर हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर मदीने का सब तो अमीर ताजर से। मदीने च इनी सखावत करती सी कि इमामे हुसैन वर्गे सखी ने भी एक दिन आख्या, बाजी ज़ैनब थोड़ी सखावत करया कर, को बच्चों लिए भी जोड़ के रख। ते ज़ारा दी बेटी ने फरमाया, वीरा मैनू इंज लगता रब मैनू देंदा ही वंडन वास्ते। ज़ैनब जिहड़ी आप वंडन वाली सी, जदों बाजारे च माई सुखी रोटी दे टुकर के कीते ना, सैयदा ज़ैनब रो के रोटी के टुकर पीछे करके फरमान लगी, अम्मा असी मंगन वाले नहीं असी वंडन वाले हाँ। अम्मा वेखे किधरे सदका ते नहीं। माई ने ना सैयदा ज़ैनब वाल बड़ी हैरत नाल वेख्या ते कह लगी, नहीं बेटी तू कौन है। आ फरमा दी, अम्मा क्यों पूछनी है। ते माई कह लगी, नहीं धीए मैनू तेरे विचों ना मदीने वाली फातिमा की खुशबू पई आती। अज इन्हें महीनों के बाद परदेसा च मां का नाम सुनियो ना, सैयदा ज़ैनब धाड़ा मार के रो पईया। फरमाया, अम्मा तू मदीने वाली फातिमा नूं किवें जाणनी है। माई कह लगी, नहीं दीए जदों मैं जवान सम मदीने बसदी रही नबी दी बेटी ज़ारा दे घर नौकरा नहीं रही हूं। एक दिन मैं नबी दी बेटी फातिमा दे कोल बैठी सां, ते सैयदा ने फरमाया, अम्मा कित्थों दी रहन वाली है। मैं आख्या, सैयदा मैं कूफे दी रहन वाली हूं। ये नबी दी बेटी ने आख्या, अम्मा कदे वेला आएगा तेरे कूफे दियां गलियां च काफिला गुजरेगा, उन्हां परदेसियां नूं पानी पिला देवी, उन्हां नूं भुख लगी होवेगी खाना खिला देवी। ये धीए अज मेरे कोल खाना ते कोई नहीं, पर मैं सुकी रोटी दे टुकर लै आई हूं। मैं नबी दी बेटी दे घर कम करदी रही हूं। फरमाया, अम्मा उस वेले दी को गल सुना दे। माई कहन लगी, नी धीए की दसा। मैं नबी दी बेटी ज़ारा दे घर कम करदी रही हूं। उन्हां दिनां च नबी दी एक बेटी दी बेटी सी, उहदा नाम ज़ैनब सी। मैं ज़ारा दी बेटी नूं लोरियां देंदी रही हूं। सैयदा ज़ैनब रो के फरमान लगी, अम्मा ध्यान नाल वेख लै, मैं नबी दी ओही बेटी ज़ैनब हां, मैं ज़ारा दी बेटी ज़ैनब हां, जिन्हों लोरियां देंदी रही हूं।
माई ने कदम फड़ ले, कहन लगी रबा मैनू अज दा दिन क्यों बखाया, मैनू मौत दे देंदा जिन्ना दा नाम कदे लोगां बाजारां च नहीं सी लिया। कि जालम उन्हां नबी दियां परदादां रे बेटियां अज कैदी बना के बाजारां च लै आए ने। कदम फड़ के कहन लगी सैयदा जांदी वारी दुआ करी जाओ। सैयदा ज़ैनब ने हाथ चुके अर्ज की, अल्लाह इस मई ने परदेसां च सानू अपना परौना बनाया है, कयामत दे आड़े इनू साडा परौना समझ के माफ कर देवी। नौजवानों मलक जिन्ना थी शर्मा करे दे, रब करे पड़े आया कैदी बन के शाम चलियां, ओ अली दिया जानियां। वक्त खत्म हो गया मगर बात अजे बेशुमार सारी तवील है। इबन साद इबन ज़ियाद दे दरबार च जदों कूफे काफिला पहुंचा ना, इस जालिम ने आख्या ज़ैनुल आबिदीन नूं भी शहीद करो। सैयदा ज़ैनब फरमान लगियां वे जालमा इक्को ही बचिया है, हुण तक ते मैं चुप रही हाँ, पर जे किसे हुसैन दे पुत्र नूं हथ लगाया ना मैनू नहीं पता कयामत कदों आनी है, पर इंज दी बददुआ करांगी अज ही कयामत आ जाएगी। इन्हें ज़ैनुल आबिदीन ने छोड़ दिता, आख्या इन्हों मुल्क शाम यजीद के दरबार छोड़ो। कूफे तो शाम तक दमिश्क का सफर 600 मील सी, कितना 600 मील, पर ये जालम उल्टे रस्ते तो लैके गए। ये सफर तकरीबन मुअर्रखीन लिखते ने 800 मील का बन गया। कूफे तो रसूलुल्लाह दियां बेटियां ने फिर ऊंटा ते बिठाया, 800 मील का सफर पहाड़ा ते जंगलों चु करा के बेशुमार वाकियात रस्ते च गुजरे, यजीद दे दरबार च पहुँच गए। फिर कदे वाकियात अर्ज करांगा। यजीद ने हजरत इमामे हुसैन दे होंठां ते छड़ी मारी। एक सहाबी रसूल बैठे सन, तड़प के फरमान लगे ना मार जालमा, इन्हां होंठां नूं मैं नबी नूं चुमदिया वेख्या। कहन लगा तू सहाबी ना हों तो मैं तेरे टुकड़े कर दिंदा। फिर मैं सहाबी का अदब करना है तो वह करदा ही नहीं, जिहड़ा मुहम्मद के मोढ़ियां ते खेड़ के जवान होया। इमामे ज़ैनुल आबिदीन जदों बेड़ियां पा के पेश किए गए, यजीद कहन लगा तेरा बाप हार गया मैं जित गया। आपने फरमा किस तरह? कहन लगा वेख तेरे बाप का सिर थाल ते मैं तख्त ते बैठा। इधर जुमे की अजान दमिश्क की जामे मस्जिद हुई, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज़ आई, तो इमामे ज़ैनुल आबिदीन फरमाया अजान देने वाले तेनों मुहम्मद की कसम इतने चुप कर जा। वह चुप किया तो आपने यजीद को फरमाया अजान च तेरे नाने का ना है कि साढ़े नाने का ना है? यजीद कह लगा नाना तो तुहाडा ही है। फरमा फिर तू हार गया तो हुसैन जित गया। यजीद ने पूछा किस तरह? फरमाया मेरा बाबा तेरे तख्त वास्ते नहीं लड़िया, क्योंकि मेरा बाबा किसी पत्थर नूं ठोकर मारे तो तख्त बना देवे। यजीद कह लगा लड़िया क्यों? फरमाया मेरा बाबा इस वास्ते लड़िया कि तू चाहता सा साढ़े नाने की अजान बंद हो जाए, नमाज बंद हो जाए, इस्लाम का दरवाज़ा बंद हो जाए। फरमाया तेरा तख्त कल मिट जाना ही, ओ वेख साढ़े नाने की अजान पई होंगी आ, अजान कल भी साढ़े नाने की होनी आ। जब तक मस्जिद के मीनार चो अजान की आवाज़ आँदी रहेगी, यजीद हारिया ही रहेगा तो हुसैन जितया ही रहेगा। बड़े वाकियात यजीद के दरबार च गुजरे, मगर वक्त मुक गया। बस यजीद ने आखे इन्हों मदीने छोड़ो। हजरत नुमान बिन बशीर सहाबी रसूल इन्हों मदीना तैयबाद छोड़ के आए। फिर सारी जिंदगी इमामे ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बाबा के गम में रो के गुजार दी थी। कदे वेला मिलिया तो इन वाकियात मैं तफसीलन गुफ्तगू अर्ज करांगा। आ चुके वक्त भी ख़त्म हो गया और मुहर्रम शरीफ का महीना भी ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह आइंदा साल जिंदगी रही तो इत्थों ही असी बात का आगाज़ करके वापसी करबला दे उत्ते अगले साल इंशाल्लाह मुफस्सल गुफ्तगू करांगे। अल्लाह तबारक व तआला साडी हाजरी नूं कबूल फरमाए। आमीन। वाखिरु दवाइया अनिल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।